नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूथ इन्फो और इस चैनल में दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि पुराने पेंशन की वार्ता चल रही है और जल्दी हमारे कर्मचारी जो हैं, हमारे जो शिक्षक हैं, उनको अच्छी खबर मिल सकती है। तो चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर के बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है आप उसको भी क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मोबाइल पर तुरंत मिले। तो आज का जो हमारा विषय है वो है सरकारी शिक्षकों को मिलेगा पुराना पेंशन और इसकी खबर आ चुकी है दोस्तों। तो राज्य के लगभग 2 लाख कर्मियों को पुरानी मांग को सरकार ने पूरा कर दिया है और ये बहुत ही अच्छी खबर है। कैबिनेट ने पुराने कर्मियों के तर्ज पर 2005 के बाद के सरकारी सेवा में आए कर्मियों को भी पेंशन और सेवानिवृत्ति का लाभ देने का फैसला ले लिया है। इस फैसले का लाभ 34,570 कोटि के शिक्षकों को भी मिलेगा। सरकार ने 7वें वेतन आयोग अनुशंसा के आलोक में यह फैसला लिया है, यानी कि जो ये शिक्षक हैं 34,570 वाले वो भी इसका लाभ अब उठा सकेंगे। कैबिनेट के प्रधान सचिव रजत मल्होत्रा ने बताया कि 7वें वेतन आयोग के आलोक में सरकार ने 1 अप्रैल 2004 के बाद नियुक्त सभी श्रेणी के कर्मियों को भी पेंशन और सेवानिवृत्ति का ग्रेच्युटी का लाभ देने का अनुशंसा की थी, जो कि अब ये इसको लागू किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने आयोग के इस अनुशंसा को मान लिया है। उसी अनुशंसा का अनुसरण करते हुए राज्य सरकार ने अपने 2 लाख नव नियुक्त कर्मियों को भी मृत्यु सेवानिवृत्ति उपादान का लाभ देने का भी निर्णय ले लिया है और यह बहुत ही अच्छी खबर है। दोस्तों इस मैसेज को आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। जय हिंद, जय शिक्षा, वंदे मातरम।